हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, बल्कि 9:40। तो अभी मुझे जाना है ओखला, क्योंकि हमारी मस्जिद में हमारे दोस्त, वो मतलब एक आतिफ और भी दोस्त हैं, एतकाफ़ में बैठे हैं, तो उनको शोरमा खाने का मन कर रहा है। और शोरमा भी आसपास का नहीं खाना, उन्हें ओखला का ही खाना। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं शोरमा लेने। मेरे टेस्ट के हिसाब से तो मुझे ज़्यादा खास लगा नहीं, बाकी उन लोगों को पसंद है तो उनके लिए मैं शोरमा पैक करा के लाऊँगा। और 10:30 बजे तक मुझे वापस आना, 10:30-11 बजे एक रेस्टोरेंट पर जाना है, क्योंकि कल भी मैं नहीं जा पाया, वहाँ पर लेट हो गया था, और आज तो ज़रूर जाना पड़ेगा क्योंकि बोल रखा हूँ उनसे। पहले फ्रेश होकर आते हैं, फिर चलते हैं। चलो यार, एक काम आसान हो गया कि ओखला से एक दोस्त आ रहा था, अब मैंने उसको बोल दिया कि तू लेता, वरना मुझे जाना पड़ता, वापस आना पड़ता, फिर मुझे उल्टा जाना पड़ता जाफराबाद मौजपुर साइड। और एक दोस्त को मुझे ये भी देना है, तो ये भी देते हैं साथ साथ। चलो चलते हैं बाहर, काफ़ी देर से मैं घर में ही हूँ। तो जो डिलीवरी करनी थी ना, मतलब जो है तक आप वालों को सामान देना था, वो दे दिया। अनस आ गया था शाइन बाग से। अरे भाई, अरे, और अब जाना है, एक तो किसी से मीटिंग थी, ज़रूरी बात करनी थी किसी कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग, और दूसरा एक दोस्त पार्टी भी दे रहा है, तो उस पार्टी में भी जाना है। चलते हैं, चल ही रहे। और थाने पे से समीर शेख को उठाना, मतलब थाने के अंदर नहीं, वो हमने वहीं उतरवा दिया, वो अपने जॉब से आ रहा था, अपनी वहाँ से आ रहा था ड्यूटी से वापस, तो वहीं उतर गया वो। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम, अभी यहाँ पर दावत है, दावत खाते हैं फिर मिलते हैं आप। तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आधे लोग हमारे खड़े हुए हैं, आधे बैठे हुए हैं, और ये तो कहीं भी बैठ जाता है, ऐसे छोड़ो। और एक तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए। ये देखो टेबल का हमने क्या हल करा है, और ये हुक्का वगैरह चल रहा है। मैं तो अपना मुँह ढक के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द हो गया इसके धुएँ से, मतलब दर्द नहीं हुआ, अजीब सा लग रहा है। और इन्हें समझाऊँगा कि भाई मत पिया करो, किधर जा रहे हैं। तो यार इनके पास ठंडी नहीं है, ओशन वाटर पीना था मुझे। तो अब टाइम हो चुका है 3:30 रात के, और अब जाके मुझे व्लॉग बनाने का टाइम भी मिला है, और दूसरी बात फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, मतलब इतना कुछ खा पी के और घूम घूम के सेट हो गया। मेरे ख्याल में ऐसे लेफ्ट होना था, मैं पता नहीं, हाँ यहाँ से लेफ्ट ही होना बोला, आगे से हो जाना लेफ्ट, कह रहा था मौजपुर का रोड आएगा लेफ्ट करके। एक तो रास्ता भूल गया रात को, नहीं दिन में भी नहीं पता वैसे यहाँ का रास्ता, तो हमें रात से कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से घर जाना, फिर मुझे घर पे जाके एक वीडियो भी बनानी है, क्योंकि 2-3 दिनों का वीडियो पोस्ट किए हुए, और एक कोलैबोरेशन चल रहा है उसको भी कंप्लीट करके देना है। चलते हैं जल्दी जल्दी। तो पहुंच चुके हैं हम अपने इलाके में, गाड़ियां लगा दी हमने, उसको जल्दी से कवर करते हैं और चलते हैं मेरे घर पर जाके, पहले एक वीडियो बना के आनी है, उसके बाद ही अपने अपने घर दफा होंगे। काफ़ी जल्दी जल्दी में हमने वो वीडियो बना ली, क्योंकि उन्हें घर जाके सहरी भी करनी थी। और एक तो यार यहाँ फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं जाकर फ़ैन बंद करूं, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, इस टाइम आलस भी आ रहा है, उसके बाद भी मैंने ब्लॉग एडिट करा है। एक तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया इसलिए, क्योंकि एक स्कूटी आई हुई थी उसका ऐड करना था, उसमें मेरा पूरा दिन निकल गया, और उसके बाद बचा हुआ टाइम वो दोस्त के यहाँ दावत खाने में चले गए, तो उन्होंने मतलब खाना लाने में रेस्टोरेंट वालों ने इतना टाइम लगा दिया कि सारा टाइम वहाँ चला गया, 2-3 घंटे वहीं निकल गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन कल मैंने 7 मिनट का व्लॉग बनाया था, आज 3 मिनट का। चलो कल कोशिश करूँगा इसे और बड़ा करने की, बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।